हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं राजनांदगांव का यामाहा शोरूम। तो आज का व्लॉग होने वाला है बाइक लवरों के लिए। किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि राजनांदगांव का यामाहा शोरूम दिखाना करके, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस पर ही व्लॉग बना दिया जाए। और गाइस, मैं भी शौकीन हूँ स्पोर्ट बाइक देखने का और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है स्पोर्ट बाइक, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी चला जाता हूँ और देख भी लूंगा। अभी खरीद तो नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, सक्सेस नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो मैं सोचा हूँ कि अभी फिलहाल हम लोग डेली व्लॉग डालेंगे, वहाँ पर नए नए बाइक आया हुआ है उसको देखने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से निकालते हैं अपना बाइक, डायरेक्ट चलते हैं यामाहा शोरूम। तो अभी फिलहाल गाइस, मैं यामाहा शोरूम के पास पहुंच चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे बाइकें खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और ये है यामाहा शोरूम। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर कौन कौन सा बाइक है वो देखते हैं। तो भाई बहुत सारा स्पोर्ट बाइक खड़ा हुआ है। ये है FZX, वो भी शायद FZX ही है, लेकिन वो ब्लू कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा स्कूटी भी रखा हुआ है। R15 है वर्जन 4, OBD2 मॉडल है, 2023 का अपडेट मॉडल है ये। इसमें कलर बस में डिफरेंस है, इसमें गोल्डन एलाइविल में दिया है और इसका जैसे देख सकते हो ये पुराना वाला ब्लैक कलर आता था, ये 2022 की अपडेट है। और ये आपका जो ब्लैक गोल्डन में देख रहे हो ये 2023 की अपडेट मॉडल है, OBD2 मॉडल वाली है ये। और इसी में जो सिल्वर कलर दिया हुआ है इसमें काफ़ी सारा फंक्शन दिया हुआ है आपका। LED इंडिकेटर दिया हुआ है जो पहले नॉर्मल आता था ऐसे, बस अभी जो 2023 वाली अपडेट मॉडल है इसका डिजिटल मीटर कुछ अलग ही आएगा, कलरफुल आएगा। आपका चारों इंडिकेटर भी यहीं से दिया हुआ है, आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। इसमें बस लोगो दिया है R15M का, आपका 155 है, 155। बाकी BHP पावर पहले से कम कर दिया है वर्जन, मतलब जो वर्जन 3 में जो BHP पावर आता था उससे थोड़ा सा कम है आपका वर्जन 4 में। बाकी सीट भी थोड़ा सा नीचे किया हुआ है इसका और टंकी भी थोड़ा सा नीचे किया हुआ, मतलब साइज छोटा किया हुआ है, जिसे इसमें बैठोगे कंफर्टेबल चला पाओगे। जैसे वर्जन 3 में जैसे चला रहे हैं उसमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ये भी सब 2023 के अपडेट मॉडल है, पर इसमें इसका जो डिजिटल मीटर आएगा फ़र्क उसमें वही रहेगा, LED इंडिकेटर नहीं आएगा और प्लस डिजिटल जिसका जो है नॉर्मल रहेगा, डिजिटल जो पहले वाला वर्जन 4 में ही आता था वो वाला। हाँ, मतलब इसका जो डिजिटल मीटर है वो नॉर्मल मीटर में रहेगा, बाकी उसमें देखो वर्जन 4 में अभी 2023 का वो कलरफुल है। हाँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है ठीक। ये वाला बाइक जो अभी अभी लॉन्च हुआ है देख सकते हैं, ये वाला है। बोल रहे थे कि BS7 आ गया, इसको सभी यूट्यूबर भाई डाल रहे थे कि BS7 है करके, लेकिन भाई एजेंसी वाले से पूछे तो वो बता रहे हैं कि ये BS6 है भाई, 7-11 अभी नहीं आया है, बस उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लॉन्च कर दिया गया है। डिजाइन वगैरह सब वही है। इसमें बताया जा रहा है कि थोड़ा सा माइलेज हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और मेरा फेवरेट कलर है भाई ये ब्लू, मेरा फेवरेट कलर है, देख सकते हैं वही वाला कलर बचा हुआ है। बस यहाँ पर सिर्फ एक ही बाइक बचा हुआ है MT का, अगर भाई लेना होगा तो आ जाना। ये वाला बाइक भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद। अरे यार ये वाला क्या, मेरे को सभी बाइकें बहुत अच्छा लग रहा है। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पर कैसे रिपेयरिंग किया जाता है वो देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यामाहा के बहुत सारे बाइकों में रिपेयरिंग का काम चल रहा है भाई, क्योंकि यहीं पर नीचे में इसके जस्ट शोरूम के नीचे में जस्ट यहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह हो जाता है। अगर आपका बाई चांस बाइक कुछ हो गया, खराब हो गया, तो आप यहाँ पर आकर नीचे रिपेयरिंग करवा सकते हैं। पर देख सकते हैं बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर रिपेयरिंग करवाने आते हैं तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर AC वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग बैठ कर थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई TV भी लगा हुआ है, ऐसे बोल रहे थे भैया जी, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी टाइम पास का टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाई TV लगा है, AC लगा है, बहुत ही कूल बैठिए और आराम किए, बाइक बनवाइए भैया। तो अभी हम लोग आए हुए हैं श्री राम डावेली सेंटर पर और यहाँ का डावेली बहुत ही अच्छा बनता है ऐसा बोला जाता है। तो चलिए हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है भाई साहब। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि सैंडविच कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गर्म किया जाता है इसको, उसके बाद देख सकते हैं प्याज डाला जाता है इसमें और हरा मिर्च डाला जाता है, सॉस डाला जाता है और उसके ऊपर में मूँगफली डाला जाता है देख सकते हैं, जो कि पहले से भुना हुआ होता है। उसके बाद इसमें कच्चा टमाटर डाला जाता है जो कि कटिंग रहता है देख सकते हैं।
देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। उसके बाद इसमें हल्का हल्का नमक डाल दिया जाता है ऊपर में स्वाद के लिए, फिर इसमें चम्मच डाला जाता है, उसके बाद भाई ये हो गया है रेडी अपना। तो अभी अपना देख सकते हैं सैंडविच भी रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको भी अब ट्राई करके देखते हैं भाई। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खा के देखते हैं उसके बाद बताते हैं।